नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल स्टूडेंट इलाइट में। प्यार दोस्तों, आज हम आपके लिए झारखंड SSC, बिहार SSC एवं SSC GD एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैथ्स का मॉक टेस्ट नंबर 6, यानी 5 मॉक टेस्ट हमने पहले कंप्लीट करवा दिया है। तो जो भी मेरे प्यारे भाई बंधु है ना, चैनल पे नए हैं, वह पांचों मॉक टेस्ट जाकर के पीछे प्लेलिस्ट से निकाल करके आप रिवीजन कर सकते हैं। 5 मॉक टेस्ट पहले से कंप्लीट करवा दिया गया, आज 6ठा मॉक टेस्ट लेकर हम आपके बीच आए हैं। चलिए 6ठा मॉक टेस्ट का शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या पहला से। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, कहता है A+B अनुपात B+C अनुपात C+A बराबर 6:7 कितना 8। A+B+C का मान 14, सी चाहिए। अच्छा एक बात सोचिए, A+B+C का मान 14 है मेरे भाई, 14 है, सी चाहिए। अच्छा तो A+B+C में ए बी घटाएंगे तब ने सी निकल करके आएगा, तो हमको मान किसका निकालना है, A+B का। किसका मेरे भाई, A+B का। आप कैसे निकालेंगे, अच्छा देखिए रेशियो किसका दिया है आपको, A+B, B+C, C+A। अच्छा ये तीनों को जोड़ करके देखिए तो क्या मिलेगा आपको, ए दो बार, बी दो बार, सी दो बार, 2 A+B+C। तो अगर A+B+C का मान 14 तो उसका दुगुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, 28। चलिए अब उसके यूनिट मान से तुलना कर लीजिए, 6-7 कितना 13 वाट कितना हुआ आपका 21। तो 21 यूनिट का मान 28 मेरे भाई, एक यूनिट का मान हमने निकाल लिया। हमको A+B चाहिए, A+B का यूनिट कितना है 6 यूनिट का मान निकाल लेते हैं। चलिए 7 से 4 बार में 7 से 3 बार में 3 से इसको 2 बार में काट लीजिए, यानी A+B का मान कितना हो गया मेरे भाई, वह हो गया 8। अब हमको C का मान निकालना है, चलिए तो C निकालने के लिए A+B+C जिसका मान प्रश्न में गिवन किया गया 14, इसमें ए बी घटा लेंगे तो 14 में से 8 चला जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई 6। यही आपका आंसर है, आपसे C का मान पूछा गया, अतः C का मान जो हो जाएगा मेरे भाई वह क्या हो जाएगा आपका 6, है ना, 6 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या दूसरा। कहता है उस सम चतुर्भुज का, सबसे पहली बात सम चतुर्भुज का हो जाए, सम चतुर्भुज को अंग्रेजी में कहा जाता है रोम्बस, नहीं, और सम चतुर्भुज कहने का मतलब वैसा समानांतर चतुर्भुज जिसका चारों का चारों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। यह समानांतर चतुर्भुज बोले तो समानांतर का सारा प्रॉपर्टी फुलफिल करता है ना, इसका एक विकर्ण जो होता है एक दूसरे को है ना समकोण पर समद्विभाजित करता है, इसका क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई भी होता है क्योंकि यह पैरेललोग्राम का रूप है, जबकि इसका क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल भी हुआ करता है। देखिए तो बात एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का है निकालना है जिसका एक भुजा 20 एक विकर्ण है 24। देखिए बात सम चतुर्भुज का, हमने बोला मेरे भाई कि सम चतुर्भुज एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज का रूप होता है जिसका चारों का चारों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है, और इसके प्रत्येक भुजा का लंबाई कितना दिया गया है, वह हो गया आपका 20 कितना मेरे भाई 20। अब देखिए क्या कहता है, इसका एक विकर्ण है 24, अभी हमने चर्चा किया इसका विकर्ण जो है एक दूसरे को समकोण पर क्या करता है, समद्विभाजित करता है, नहीं 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है। अच्छा देखिए जो 24 था वह बढ़ जाएगा कितना कितना में, 12 और 12 में। चलिए तो अगला विकर्ण का लंबाई निकाल लेते हैं, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बना है ऐसे आप जानते हो, 12, 16, 20 एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, निकाल भी सकते हैं 20 का स्क्वायर 400 में से 144 घटाइए 256 का स्क्वायर रूट 16, तो देखिए यह 16 विकर्ण समद्विभाजित होता है तो यह भी कितना हो जाएगा आपका 16। तो एक विकर्ण 12 × 2 = 24 जबकि दूसरा विकर्ण 16 × 2 = 32। अब आपको क्या कहता है, इस सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा, अभी हमने बोला ना भाई मेरे कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई भी होता है, है ना, और जबकि इसका क्षेत्रफल 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल भी हुआ करता है, तो 1/2 पहला विकर्ण हो गया 24 जबकि दूसरा विकर्ण हो गया आपका 32। चलिए इसी को कैलकुलेट कर लेना है, 2 से काट लीजिए 12 बार में 32 × 12 = 32 × 10 = 320 और फिर 64, यानी कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 384, कितना मेरे भाई 384 वर्ग सेंटीमीटर। यही उस सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल है और यही आपसे पूछा गया था कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बता दीजिए मेरे भाई, वह हो जाएगा 384 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, आ जाइए प्रश्न संख्या तीसरा। अच्छा तीसरा देखिए क्या कहता है, सुन लीजिए, कहता है कि 12, 18, 6 का चौथा अनुपात, है ना,
और चार और के का तीसरा अनुपात बराबर है तो के का मान पूछा। अच्छा, प्रथम समानुपाती आपसे पूछा जाता है, द्वितीय समानुपाती पूछा जाता है, तृतीय समानुपाती पूछा जाता है, चतुर्थम, सब पे चर्चा कर देते हैं। देखिए, दो संख्या का प्रथम समानुपाती बोले ए और बी का, तो यह हो गया आपका ए स्क्वायर बाई बी। ए और बी का द्वितीय अनुपात बोले तो अंडर रूट ए बी। ए और बी का तृतीय अनुपात बोले तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए, है ना। और जबकि चतुर्था अनुपात बोले ए बी सी का तो बी सी बाई ए। अच्छा, यह होता क्या है समझिए, जैसे प्रथम समानुपाती बोला गया, इसका मतलब हुआ कि प्रथम पद पर क्या रखे ताकि दो अनुपात आपस में बराबर हो जाए। द्वितीय अनुपात या मध्य अनुपात का मतलब हुआ कि दूसरा पद पर क्या रखे ताकि दो अनुपात आपस में बराबर हो जाए। तृतीय अनुपात का मतलब हुआ तीसरा पद पर क्या रखे ताकि दो अनुपात बराबर हो जाए। इसी प्रकार चतुर्थ अनुपात का मतलब हुआ मेरे भाई चौथा पद पर क्या रखे ताकि दो अनुपात आपस में बराबर हो जाए। चलिए, तो ऐसे करके आप बना भी सकते हैं भाई प्रोसेस, ऐसे जो बताए हैं अगर याद है तो बहुत बढ़िया। प्रथम समानुपाती और बी का a स्क्वायर बाई बी, द्वितीय अनुपाती अंडर रूट ए बी, तृतीय अनुपाती बी स्क्वायर बाई ए, चतुर्थ अनुपाती बी सी बाई ए। चलिए, तो 12 18 6 का चतुर्थानुपाती बी सी बाई ए नहीं, ये हो जाएगा आपका 18 अगुना 6 बटा कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कितना 12, है ना, 18 बी सी बाई ए, 18 गुना 6 बटा 12। देखिए, यह तीनों का चतुर्थानुपाती जबकि 4 और के का तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती अभी बताया ना बी स्क्वायर बाई ए, तो बी का मान यहां पर क्या है के स्क्वायर और ये कितना हो गया आपका 4। हाँ मेरे भाई, 4 से काट लीजिए तीन बार में, है ना, 3 से इसको काट लीजिए दो बार में, के स्क्वायर बराबर क्या हो गया आपका, के स्क्वायर बराबर हो गया आपका 36। अतः k का जो मान हो जाएगा मेरे भाई वह क्या हो जाएगा आपका 6। यही आपसे पूछा गया था कि k का मान बताइए, यानी इन तीनों संख्या का चतुर्थानुपाती जबकि 4 और k का तीसरा अनुपाती जो है प्रश्न के हिसाब से वह आपस में बराबर था, k का मान हो गया आपका 6। क्या हो गया 6, ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई, ए नंबर आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न की ओर आ जाते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है, 4 कहता है एक जीप एक कार का पीछा कर रही है, एक जीप जो है किसका पीछा कर रही है, एक कार का पीछा कर रही है। अब क्या कहता है, जो जीप से 5 किलोमीटर आगे था, जीप पीछा किसका कर रही है कार का, जो जीप से कितना आगे था 5 किलोमीटर। अच्छा, उनकी चाल जो है क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा, जीप कार को कितने समय पकड़ लेगा। अच्छा, जीप को कार को पकड़ लेगा, इसका कारण क्या बन रहा है, कारण यह बन रहा है जीप का स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा जबकि कार जो आगे जा रहा था वह 75 के स्पीड से जा रहा था, तो जीप का तो स्पीड ज्यादा पकड़ लेगा। अब देखिए कितना समय में पकड़ लेगा, आपको क्या चाहिए मेरे भाई, आपको समय चाहिए। अच्छा, समय बराबर दूरी बटा चाल, दोनों के बीच का फासला कितना किलोमीटर का है 5 किलोमीटर का। समय समय निकालना है, समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल सेम डायरेक्शन है, दोनों का दिशा एक ही है, घटा लीजिए 90 75 का डिफरेंस कितना हो गया 15। अब देखिए ऊपर दूरी किलोमीटर में, नीचे जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, समय घंटा में आ गया, है ना, क्या आ गया आपका 5 से 3 बार में काट लीजिए, यानी जीप जो है कार को कितना देर में पकड़ लेगा 1/3 घंटा में। अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, घंटा को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं मेरे भाई, 60 से गुना करते हैं। चलिए 60 से इसमें गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा आपका उत्तर 20 मिनट। यानी वह जीप जो है कार को पकड़ने में जो समय लेगी वह समय कितना होगा 20 मिनट का होगा मेरे भाई, कितना 20 मिनट का मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। अगर आप लोग को वीडियो बढ़िया लगता हो तो आप लोग वीडियो को जरूर आप लोग शेयर कीजिए, है ना, लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा लगता है वीडियो और किस किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किस तरह का प्रश्न चाहिए आपको, हर चीज आप कमेंट के माध्यम से हम लोगों के पास आप शेयर कीजिए और उसके हिसाब से आप लोग को कॉन्टेंट जो है दिया जाएगा, है ना। चलिए, और जो भी मेरे प्यारे बंधु प्यारे भाई बंधु अभी तक चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाना नहीं भूलें, है ना। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 5वां, देखिए 5वां क्या कहता है, कहता है किसी क्रिकेट बल्लेबाज का उसके द्वारा खेली गई 11 पारियों के रनों का कोई औसत था। अरे भैया, कोई भी बल्लेबाज खेलता है तो उसका रन बनाने का कुछ ना कुछ औसत था, औसत होता है ना, तो इसका भी कोई औसत था। 12वीं पारी में बल्लेबाज 90 बना दिया, इससे उसके औसत रन जो है पहले के अपेक्षा 5 कम हो गया, 90 बनाने के बाद भी औसत कम हो गया, है ना। तो हमसे कहता 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या था। अब एक बात सोचिए, 11वीं पारी तक वह पहले खेल चुका था, 12वीं पारी में कितना बनाया 90। अच्छा सोचिए, 11 पारी खेला
तुमने बोला 11 पारी खेलने का, रन बनाने का, उसका कुछ ना कुछ तो औसत होगा बल्लेबाज का। 12वीं पारी में 90 बनाता है, औसत घट जाता है, इसका मतलब पहले का औसत ज्यादा होगा, अभी का कम है। तो ज्यादा कर लीजिए, कितना घट जाता है, 5 में, औसत में 5 का कमी हो जाता है, तो पहले ज्यादा होगा, बढ़ा लीजिए इसको 12 × 5, यानी पहले का औसत कितना हो गया 90 और 60 कितना हो गया आपका 150। यह पहले का औसत है, 11 पारी तक का औसत निकल करके आया, लेकिन कहता है 12वीं पारी के बाद तो औसत में 5 का कमी हुआ, 150 में से 5 घटा लीजिए, यानी कितना रन हो जाएगा इसका, 145 रन हो जाएगा। यानी उस बल्लेबाज का जो है 12वीं पारी के बाद जो औसत रन होगा मेरे भाई वह 145 होगा। अगर आपसे कहता 11वीं पारी तक का उस बल्लेबाज का औसत रन बताइए तो उस परिस्थिति में उत्तर क्या होता, 150। लेकिन अभी फिलहाल उत्तर क्या होगा, 145 मेरे भाई, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न की ओर आ जाइए, प्रश्न संख्या 6। देखो कहता कुछ प्राकृतिक संख्या का औसत जो है 15 है। अब क्या कहता है, यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए और अंतिम संख्या में 5 घटा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत 17.5 हो जाता है, नहीं या रह जाता है। देखिए ना, तो कहता है तो प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी है, यानी प्राकृतिक संख्या कई गो है। अरे भैया मान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या की संख्या जो है वह x है। अच्छा तो जोगफल निकाल लीजिए, उसका औसत 15 था, संख्या मान लेते हैं x, तो टोटल जोगफल कितना हो गया 15x पहले का। अब इसमें परिवर्तन क्या हो रहा है, x गो टोटल हम प्राकृत संख्या माने, परिवर्तन केवल दुई गो में है, एगो पहला एगो अंतिम में। पहला में 30 जोड़ा मेरे भाई, अंतिम में 5 घटाया, तो पूरे परिवर्तन को आप समझ के देखिए, 30 जोड़ा 5 घटाया, यानी पूरे के परिवर्तन को अगर समझे तो 25 जुटने का काम हो रहा है। चलिए तो पूरे में 25 का वृद्धि हुआ, है ना। देखिए यह पहले का सभी प्राकृतिक संख्या का संख्या में माना x, जो फल 15x उसमें 25 का वृद्धि हुआ, परिणाम स्वरूप औसत जो है कितना हो जाता है 17.5। संख्या तो वही है x गो, है ना, चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, हमसे यही कहता है प्राकृतिक संख्याओं की संख्या बताइए। देखिए 15x घटाएंगे तो हो जाएगा 2.5x बराबर में कितना मेरे भाई, यह हो जाएगा आपका 25, है ना। देखिए इसको 10 बार में काट लीजिए, x बराबर कितना हो गया आपका 10। हमसे यही पूछा गया था कि प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी है, तो वह संख्या कितना हो जाएगा मेरे भाई, यह हो जाएगा आपका 10। चलिए अब एग्जाम में कैसे उड़ाएंगे प्रश्न को देख लीजिए, है ना, कैसे उड़ा देंगे चुटकी में। देखो मेरे भाई बात समझो, परिवर्तन को समझो। अच्छा पहले जो भी प्राकृतिक संख्या था हमको नहीं मालूम है कै गो है, उसका औसत था 15। अच्छा पहला संख्या में 30 जुटा, अंतिम संख्या में 5 घटाई, पूरे परिवर्तन को हमने समझा तो पूरे मान में 25 का वृद्धि है। अच्छा 25 बढ़ा, परिणाम स्वरूप औसत में क्या परिवर्तन दिखा, औसत था 15 मेरे भाई, हो गया 17.5, ढाई का वृद्धि। औसत में वृद्धि कहने का मतलब हर एक मान में ढाई का वृद्धि। अच्छा सोचिए तब 25 बढ़ने से हर में ढाई का वृद्धि है तो कितना संख्या यह निकल करके आ जाएगा, ढाई से भाग देने पर, ढाई से भाग लगा दीजिए 10 बार में, यानी प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई, तो वह हो जाएगा 10 मेरे भाई, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना। चलिए दोनों तरीका आपको बता दिए, आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। देखो भाई मेरे, कहता है कि 750 रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए बी के बीच का रेशियो 5:2 है, जबकि बी और सी का रेशियो 7:13 है, ए का भाग कितना, यह हमसे पूछा जा रहा है। आपके झारखंड से जितने भी एग्जाम होंगे संबंधित, है ना, हर एग्जाम के लिए समझिए रामबाण है, है ना। आप मॉक टेस्ट देखिए और देखिए एग्जाम में कितना ज्यादा सहूलियत आपको होता है, है ना, चाहे वह बिहार का एग्जाम हो, झारखंड का एग्जाम हो, एसएससी जीडी हो, है ना, कोई भी एग्जाम होगा, हर एग्जाम के लिए यह सब जितना प्रश्न आपको मॉक टेस्ट में लेकर आते हैं वह एकदम समझिए पूरा संजीवनी बूटी की तरह आपके लिए काम करने वाला है। अब देखिए 750 रुपया को एबीसी में ऐसे बांटा जाता है कि एबी का रेशियो 5:2, बीसी का देखिए। अच्छा किस किस में बांटा जाता है, तो बांटा जाता है मेरे भाई ए बी और सी में। अच्छा ए और बी के बीच का रेशियो कैसा है, ए और बी के बीच का रेशियो हो गया 5:2, जबकि बी और सी का रेशियो कैसा है 7:13। क्या मेरे भाई, यह 7:13 है।
पहले हम क्या करते हैं, इसको मर्ज करते हैं। मर्ज कैसे करते हैं, देखिए जिसके बगल में खाली है उसी से भर लीजिए, यहां दो भर लीजिए और यहां सात भर लीजिए। चलिए इसको गुना कर लीजिए, तो यह हो जाएगा मेरे भाई 35 और यह हो गया आपका 14 और यह कितना मेरे भाई, यह हो गया 26। यही तो ए बी और सी के बीच का रेशियो है। आपसे ए का भाग पूछा, किसका मेरे भाई, ए का। अच्छा पूरा राशि कितना था 750, जो तीनों में बंटवारा हुआ था। यूनिट कितना हुआ 26, 14, 40, 35, 75। तो 75 यूनिट बराबर 750, एक यूनिट का मान हमने निकाल लिया। हमसे कहता ए का भाग बताइए, ए का यूनिट मान है 35। यहां देखिए 10 बार में कट जाएगा, 35 गुना 10 कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 350 रुपया। यानी ए का भाग कितना है, तो 350 है मेरे भाई, है ना। ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई, है ना। ए का भाग कितना है, तो 350 है। आगे आ जाइए प्रश्न संख्या आठवां, देखिए पढ़िए। कहता 7 वर्ष पूर्व, है ना, 7 साल पहले ए और बी के उम्रों के बीच का रेशियो जो था वह कितना था, 4:5 कितना मेरे भाई, 5। यह कहानी कब का, 7 साल पहले का। अब क्या कहता, यह सुनिए, 7 वर्ष बाद जो रेशियो है वह कितना हो जाता है, 5:6। अब एक बात समझ के देखिए, 7 साल पहले से 7 साल बाद जाने में परिवर्तन क्या हो रहा है। 7 साल पहले से वर्तमान में आने के लिए 7 जोड़ना होगा, फिर 7 साल आगे जाना है, 7 साल और जोड़ना होगा, यानी 14 साल जोड़ना है। जब समान राशि जोड़ते घटाते हैं, तीन परिस्थितियों में अंतर को बराबर किया करते हैं। चलिए बराबर कर लीजिए, बराबर है, करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा बढ़ता 14 साल है, अगर यूनिट को आका जाए तो कितना बढ़ रहा है मेरे भाई, 1 नहीं। अच्छा बढ़ता कई साल है, 14 साल, जो 1 यूनिट का मान है। कहता है बी की वर्तमान आयु बताइए, वर्तमान मेरे पास कहीं नहीं है, अगर ऊपर से निकालोगे 7 साल पहले का आएगा, 7 जोड़ करके उत्तर देना होगा, नीचे से निकालोगे 7 साल बाद का आएगा, 7 घटा करके उत्तर देना होगा। चलिए ऊपर वाला से निकालते हैं, 7 साल पहले का आएगा, 7 जोड़ लीजिए, 70+7 कितना हो जाएगा आपका, 77 वर्ष। कितना मेरे भाई, 77 वर्ष हो जाएगा। यही बी का वर्तमान में उम्र है, 77 इयर्स मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई, है ना। तो जब भी समान राशि जुटने घटने का बात हो, तीन परिस्थितियों में आप अंतर को हमेशा बराबर करो। आगे आ जाइए प्रश्न संख्या 9, देखिए क्या कहता है। कहता दो व्यक्ति के आय के बीच का रेशियो, देख रहे हैं ना, यह जो रेशियो दिख रहा है ना आपको, यह किसका दिख रहा है, इनकम का। अब क्या कहता, तथा उसके, है ना, मासिक व्यय यानी खर्च का रेशियो कितना है, 5:9। अच्छा ये जो रेशियो है ये आय का है और यह किसका है, खर्च का है। कहता है दोनों प्रत्येक माह 600 की बचत करते हैं, तो उसके आय का मान बताना है दोनों का, दोनों व्यक्ति का। अब एक बात सोचिए, अगर मेरा इनकम है, आय में क्या क्या होता है, अरे भैया आय में या तो हम खर्च करेंगे या तो बचाएंगे, आय में दो ये चीज होता है। जो मेरा इनकम है उसमें मैं या तो पैसा को खर्च करे या तो पैसा को सेविंग करे, तो आय में या तो खर्च होता है या तो बचत। देखिए तो आय में खर्च और बचत दोनों है, तो इसमें अगर हम बचत को घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा, खर्च। तो बचत कितना है दोनों का, 600, यानी दोनों में समान राशि घटेगा 600। अभी हमने बोला ना कि समान राशि जूटे घड़े, कुछ नहीं करना है, आंख मुन करके अंतर को बराबर करना है। बराबर करने के लिए मेरे भाई यहां 4 से गुना कर लीजिए, कितना से, 4 से। अब यह देखिए ना, यह गुना करने के बाद गुना वाला उठाते हैं भाई मेरे, है ना। अब एक बात देखिए यहां पर, यह कमाता 8 है, बचाता 3, सॉरी खर्च करता 5, तो बचाएगा कितना, 3। यह भी देखिए कमाता 12, है ना, और यह जो है खर्च करता 9, बचाएगा कितना, 3, और दोनों का बचत समान है, जो राशि के रूप में कितना है, 600। यह 3 यूनिट का मान है। आपसे इनकम पूछा, गुना करने के बाद गुना वाला, एक का इनकम है 8 यूनिट, तो देखिए यह कट गया आपका कितना बार में, 200 बार में, 200 गुना 8, यानी एगो का इनकम कितना हो जाएगा आपका, 1600 रुपया। कितना मेरे भाई, 1600, एक व्यक्ति का इनकम 1600, जबकि दूसरा का अगर निकालना है तो देखिए 600 बचत है, जो 3 यूनिट का मान है, दूसरा का इनकम जो है वह 12 यूनिट के रूप में है, तो 200 गुना 12 यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई, यह हो जाएगा आपका 2400 रुपया। कितना, 2400 रुपया। तो 1600 रुपया और 2400 रुपया, ऑप्शन नंबर सी, यानी उन दोनों व्यक्ति के मासिक आय के बीच का रेशियो जो था वह 2:3 था, खर्च का 5:9 था, बचत दोनों का 600 था। हमने बोला कि आय में से बचत घटाएंगे तो खर्च निकल के आएगा, समान राशि घटता बढ़ता अंतर को बराबर किया गया, दोनों का इनकम एक का 1600 जबकि दूसरा का 2400 निकल करके आ गया।
आगे आ जाइए प्रश्न संख्या 10 की ओर चला जाए। कहता है 25 वस्तु का क्रयमूल 20 वस्तु के विक्रयमूल के बराबर है। अरे भैया ये हम कई एक बार आपको बताए हैं, हाँ या तो आप बना लीजिए बाई प्रोसेस, नहीं तो सीधा बात समझिए उल्टा कर लीजिए। जब भी आपको यह प्रश्न पूछा जाए इतना का क्रयमूल इतना के विक्रयमूल के बराबर है, उल्टा क्रयमूल वाला संख्या को विक्रयमूल, विक्रयमूल वाला को क्रयमूल। 25 वस्तु का क्रयमूल यह काम करेगा विक्रयमूल का, 20 वस्तु का विक्रयमूल यह काम करेगा क्रयमूल का। आपको पता भी लग जाएगा कि लाभ होने वाला है कि हानि। देखिए क्रयमूल 20 यूनिट, विक्रयमूल 25 यूनिट, यानी क्या होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट देख लीजिए कितना का 5 का, कहां से 20 से, यानी 5 जो है 20 का कितना प्रतिशत है निकाल लीजिए, 5 से 4 बार में, 4 से 25 बार में, यानी कितना प्रतिशत का प्रॉफिट हो जाएगा इन परिस्थितियों में, तो 25 प्रतिशत का। कितना मेरे भाई 25 प्रतिशत का प्रॉफिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई, बस उल्टा मान लीजिए है ना। अब देखिए अगर प्रोसेस से जिन भी भाई बंधु को अगर बनाना है प्रोसेस से, तो ऐसा नहीं कि प्रोसेस मुश्किल है। देखिए 25 का कॉस्ट प्राइस ना, अच्छा 20 के सेलिंग प्राइस के क्या है बराबर है, तो 20 गुना क्या हो गया आपका S। देखिए इसको 5 बार में उड़ा दीजिए, इसको 4 बार में, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रेशियो 4:5। प्रॉफिट देख लीजिए, प्रॉफिट 1 यूनिट का कहां से, 4 से, 1 जो है 4 का कितना प्रतिशत, यानी 25% मेरे भाई। तो आप जैसे मर्जी वैसे प्रश्न को घुमा सकते हैं, यह मैथमेटिक्स है भाई, यह हिस्ट्री नहीं है कि बाबर के पिताजी का नाम जो था वही रह जाएगा फिक्स, नहीं। इसको कैलकुलेशन को समझना है और आपको यह लॉजिक समझना है कि एग्जाम में जाएं तो कैसे कैलकुलेशन से हम बचें, है ना। सबसे बड़ी बात यह है, वह बनाते बनाते प्रैक्टिस करते करते आपको खुद अनुभव हो जाएगा, है ना, कि हम मैथ को कैसे दौड़ाएं, है ना, ताकि आसानी से दौड़ भी जाए और हमारा रिजल्ट भी हो जाए। आगे आ जाइए प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 देखिए क्या कहता है। कहता है एक व्यक्ति ने 250 कुर्सी बेचा, कितना बेचा मेरे भाई 250, और उन पर 50 कुर्सी के विक्रयमूल के बराबर लाभ कमाता है। लाभ का परसेंटाइल पूछा, देखिए कितना आसान तरीका से आपको सिखा देंगे। 250 कुर्सी बेचा, मान लेते हैं हर कुर्सिया का विक्रयमूल बराबर 1 रुपया, यानी 1 रुपए के हिसाब से बेचा, तो 250 कुर्सी बेचा मेरे भाई, तो टोटल विक्रयमूल 250, 50 के विक्रयमूल के बराबर। हमने मान रखा 1 का विक्रयमूल 1 रुपया, तो 50 का विक्रयमूल 50 रुपया। अच्छा सोचिए, तो 250 1 का, हमने प्रत्येक कुर्सी का विक्रयमूल 1 रुपया माना, टोटल सेलिंग प्राइस 250, प्रॉफिट 50 का। सोचो 250 में बेच रहे हैं, 50 का प्रॉफिट हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस तो कम होगा, चलिए 50 का प्रॉफिट है 250 में, यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 200, यानी 50 जो है 200 का कितना परसेंट है, चलिए 50 से काट लीजिए 4 बार में, 4 से कट गया आपका 25 बार में, यानी प्रॉफिट का परसेंटाइल कितना मेरे भाई 25। हर 250 में 50 रुपया अगर लाभ हो जा रहा है तो कॉस्ट प्राइस तो कम होगा, तो 250 माइनस में 50 200, यानी 50 जो है 200 का कितना प्रतिशत है 25%। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर, है ना, यहां पर बी है। चलिए आगे आ जाइए प्रश्न संख्या 12 की ओर। कहता क्या, सुनिए, एक विक्रेता ने किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया 30%, और क्या कहता है, और अंकित मूल्य 286 तय कर दिया, परंतु बिक्री के समय बेचते समय जो दुकानदार है खरीदार को 10% का डिस्काउंट दे दिया। लाभ का परसेंटाइल पूछा, अरे भैया 286 84 से हमको क्या मतलब है, प्रतिशत ने देना है, आराम से हम अपने हिसाब से चल देते हैं। हम मान लेते हैं उस विक्रेता का कॉस्ट प्राइस कितना 100। देखो जो विक्रेता है ना, वो लागत 30% बढ़ा करके रखा, हमने क्रयमूल 100 मान लिया, 30% बढ़ा करके रखे, कितना अंकित किया 130। जब बेचने का बारी आया ना, तो खरीदार को 10% का डिस्काउंट दे दिया, चलिए दे दीजिए 10% का डिस्काउंट, है ना, यानी बेचा कितना में 117 में, कॉस्ट प्राइस था 100, 117 में बेचेगा, यानी इन परिस्थितियों में जो विक्रेता है दुकानदार है उसको क्या हो जाएगा मेरे भाई 17% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 17% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई। उस आंकड़ा से कोई मतलब भी नहीं है और प्रश्न भी मेरा आसानी से बन गया। आगे आ जाइए प्रश्न संख्या 13। कहता है व्यापारी 25,000 अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% तथा 5% की क्रमावार बट्टों के साथ खरीदता है, नहीं अच्छा, और इसकी कीमत पर 1,000 रुपया व्यय करता है, यानी खर्च करता है, मरम्मत करने के लिए करता होगा, कोई और चीज के लिए इन्वेस्ट करता होगा, हो सकता है परिवहन में खर्च करे, यानी 1,000 ऊपर से व्यय करता है, और इसको ला करके 25,000 में बेचता है। पर इसका कॉस्ट प्राइस क्या पड़ा देख लीजिए, सुन लीजिए, अच्छा सोचिए ना, एक व्यापारी के लिए 25,000 उसका मार्ग प्राइस था, और व्यापारी को वस्तु मिलता कैसे भाई,
20 और 5 के क्रमिक डिस्काउंट पर 20% डिस्काउंट का फ्रैक्शन 80/100, जबकि 5% का लगाइए 95/100। इतना में खरीदा और ऊपर से कितना व्यय किया, ऊपर से यह व्यय कर दिया 1000 रुपया। कितना मेरे भाई, 1000 रुपया। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, इसका कॉस्ट प्राइस निकल करके आ जाएगा। देखिए 19 × 5 = 95 और 20 × 5 = 100। 20 से काट लीजिए 4 बार में, यहां से इसको उड़ा दीजिए, 250 × 4 1000 में 19 से गुना करेंगे, 19000 प्लस में 1000, यानी उस व्यापारी का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, उस व्यापारी के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया 20000 रुपया। और वह व्यापारी वस्तु को ला करके बेचता कितना में है, देखिए उस सेलिंग प्राइस यानी बेचता कितना में है, 25000 में। अब खुद सोचिए ना भैया, 20000 में खरीदा, 25000 में बेच रहा है, प्रॉफिट कितना का है, 5000 का है। कितना का, 5000 का, कहां से, 20000 से, यानी 5000 जो है वह 20000 का कितना प्रतिशत है, चलिए 5 से 4 बार में, 4 से 25 बार में उड़ा दीजिए, यानी उस व्यापारी का जो लाभ का परसेंटाइल है मेरे भाई, वह कितना हो जाएगा, 25, कितना, 25% है ना, 25% का उस व्यापारी को लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई, बी नंबर। कॉस्ट प्राइस निकाल लिए, कॉस्ट प्राइस 20000 आ गया, सेलिंग प्राइस 25000, 5000 का प्रॉफिट है, कितना में, 20000 में है ना, यानी परसेंटाइल जो हो जाएगा आपका वह हो जाएगा 25। आगे आ जाइए 14 नंबर, देखिए कहता किसी धन राशि का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510। पहले धनराशि निकाल लीजिए, क्योंकि आगे फिर कहता उसी धनराशि का उसी दर से उतना ही समय अवधि के लिए साधारण ब्याज, पहले राशि तो निकाल लें। अच्छा 12.5% का मतलब क्या हुआ, सोचो 25/2% का मतलब बटा में 100, 25/2 100 नहीं, यानी 8 बार में कट जाएगा, इसका मतलब हुआ 8 रुपया मूलधन, 1 रुपया ब्याज, यानी 9 रुपया मिश्रधन। अच्छा 2 वर्ष का बात है, चलिए 2 बार लिख दीजिए, इसको गुना कर लीजिए, यह देखिए 64:81, यह आ गया प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का रेशियो मूलधन और मिश्रधन का। हाँ भैया ब्याज है कितना, 510, देखिए ब्याज कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज 510, ब्याज देखिए यूनिट के तौर पर ब्याज कितना हो रहा है, मेरे हिसाब से ये 17 यूनिट बढ़ रहा है, यानी 64 मूलधन 81 मिश्रधन, यानी ब्याज मेरे हिसाब से कितना दिख रहा है, 17 यूनिट, तो 17 यूनिट बराबर 510, 1 यूनिट का मान निकालिए, मूलधन कितना था आपका 64, चलिए मूलधन निकाल लीजिए, चलिए यहां से काट लीजिए कितना बार में, 30 बार में, यानी कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 1920 रुपये आपका प्रिंसिपल निकल करके आ गया चक्रवृद्धि ब्याज की स्थिति वाला। कहता उसी धनराशि का जो प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए था, वही प्रिंसिपल अब सिंपल इंटरेस्ट के लिए है। कहता है उसी दर से उतना ही सब देख ले साधारण ब्याज पूछा, चलिए अच्छा आपका प्रिंसिपल कितना है भाई, 1920। अच्छा आप खुद सोच के देखिए, 2 वर्ष का ब्याज बताना है, 1 साल का 25/2%, 2 साल का निकालने के लिए 2 से, क्योंकि साधारण ब्याज हर वर्ष का बराबर होता है, 25/2 में 2 से गुना करेंगे, यानी 25%, यानी सीधा सीधी 25% आप निकाल लीजिए, चलिए 25 से कट गया 4 बार में, 4 से उड़ा दीजिए, 4 चौक कितना हो गया मेरे भाई, 16, यानी 400 कितना, 80, यही हो जाएगा मेरे भाई, यानी साधारण ब्याज उतना ही समय अवधि के लिए कितना हो जाएगा, 480 रुपया हो जाएगा, है ना। देखिए हमने कोई फार्मूला वर्मूला नहीं लगाया, आराम से लॉजिक से प्रश्न को सोल्व कीजिए, आसानी से उत्तर दीजिए, है ना। चलिए आगे आ जाइए प्रश्न संख्या 15। एक व्यक्ति को किसी स्थान पर पैदल जाने और सवारी से वापस आने में 6 घंटा 30 मिनट लगता है, जबकि दोनों तरफ सवारी से जाता है तो 2 घंटा 10 मिनट बच जाता है। अच्छा 2 घंटा 10 मिनट बच जाता तो लगता कितना, यह देखिए 6 घंटा 30 मिनट पहले लगता था, 2 घंटा 10 मिनट बच गया, यानी लगता कितना, 4 घंटा 20 मिनट, यह दूसरा स्थिति का समय है। देखो आंख मुन करके आपको क्या करना है, जब भी इस प्रकार का प्रश्न पूछे मेरे भाई कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा लॉजिक आपको बता रहे हैं, बस करना क्या है, आपको करना है पहला जो समय है उसका कर लेना है 2 गुना, उसका कर लेना है 2 गुना, और उसमें घटा लेना है दूसरा वाला समय, क्या घटा लेना है, दूसरा वाला समय आपको उसमें घटा लेना है, दूसरा समय, चलिए पहला समय का कर लो 2 गुना। अच्छा पहला समय कितना, 6 घंटा 30 मिनट, चलिए 6 घंटा 30 मिनट का कर लीजिए 2 गुना, अब इसमें घटा लीजिए दूसरा समय। अच्छा दूसरा समय क्या है मेरे भाई, 4 घंटा 20 मिनट, अभी हम निकाल दिए हैं दूसरा समय, 2 घंटा 10 मिनट बच जाता तो लगता कितना, 4 घंटा 20 मिनट, देखिए तो 12.60 में घटा लीजिए 4.20, यानी 12 में से 4 घटाइएगा, 8 और 60 में से 20 गया 40,
यानी 8 घंटा 40 मिनट, कितना मेरे भाई 8 घंटा 40 मिनट, यही है आपका दोनों तरफ पैदल जाता है तो उसे कितना समय लगेगा, तो 8 घंटा 40 मिनट। आपको क्या सिखाए, जब भी ऐसा प्रश्न पूछे हाँ मेरे भाई, तो आपको करना क्या है, पहला समय का दुगना माइनस में दूसरा समय, है ना। पहला समय था 6 घंटा 30 मिनट, दुगना करेंगे 12 60 में से 4 20 घटा लीजिए 8 40, है ना। चलिए आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 16। व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जब साइकिल चलाकर अपना कार्यालय पहुंचता है तो 6 मिनट की देरी से जा पहुंच पाता है। जब उसने अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया तो 6 मिनट पहले पहुंच गया। डिस्टेंस कांस्टेंट है भाई, एक बार 10 एक बार 2 बढ़ा के 12। देखिए दो स्थिति में उस दूरी को तय किया जाता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 12। यह देखिए स्पीड का रेशियो, कैसा रेशियो, 5 × 10 = 6 × 12, यह स्पीड का रेशियो है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। दोनों स्थिति में व्यक्ति कार्यालय ही जाता है, टाइम इसका इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई 6 अनुपात कितना 5। अब समय का डिफरेंस सोचिए, एक बार 6 मिनट विलंब से पहुंचा करता था, स्पीड बढ़ाया 6 मिनट पहले पहुंच गया, डिफरेंस जोड़ करके यानी 12 मिनट का डिफरेंस है, घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर लीजिए, यही समय में डिफरेंस है जो एक यूनिट का मान है ना। किसी एक स्थिति का समय निकालिए, जिस भी स्थिति का समय निकालोगे ना, हम पहला स्थिति का समय निकाले हैं तो पहला के वास्तविक चाल में गुना करके दूरी निकालेंगे, पहला का वास्तविक चाल कितना था 10, 60 से 60 उड़ा दीजिए, अतः वह दूरी कितना किलोमीटर का है, तो वह दूरी जो है 12 किलोमीटर का। अगर आप दूसरा स्थिति का समय निकालते तो दूसरा के वास्तविक चाल में गुना करके दूरी निकालना पड़ता, आपको दूरी दोनों स्थिति में बराबर आएगा, उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। चलिए आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 17, है ना। जो भी मेरे प्यारे भाई बंधु दोस्त है ना अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एकदम जल्दी से फटाका पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा आपको। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 17 कहता है 136 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चाय को 141 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, 1 किलोग्राम मिश्रण का कीमत, भैया सिंपल सा लॉजिक है, पहला वाला 2 किलो उठा लीजिए, दूसरा वाला 3 किलो, 2:3 के रेशियो मिलाना है, तब पहला वाला 2 किलो का कीमत 136 के हिसाब से, अच्छा दूसरा वाला 3 किलो का कीमत 141 के हिसाब से, टोटल 5 किलो का मिश्रण का औसत कीमत बताना है, 5 से डिवाइड कर लेंगे। चलिए इसमें 2 से गुना कर लीजिए, देखिए 2 से गुना कीजिए 6 × 12 26 से कितना हुआ 27, 272 इसमें आइए, यह हुआ 3 × 14 = 42, यही मेरे भाई, अच्छा तो जोड़ लीजिए इसको, अच्छा कितना हो जाएगा, तो देखो यह हो जाएगा आपका 4 × 2 = 6 यानी 695, अब बट्टा कितना 5, चलिए 5 से कितना बार में, एक बार में 15, 5 × 3 कितना हो गया आपका 15 × 5 = 45 यानी 139 रुपया इस मिश्रण का औसत कीमत आया, 139 रुपये प्रति किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई, सी नंबर। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 18 कहता 3 कक्षाओं में विद्यार्थी की संख्या का रेशियो कैसे था, 2:3 कितना मेरे भाई 5। अब क्या कहता है यह सुनिए, यदि प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिया जाए तो रेशियो कितना 4 5 7, अच्छा भैया सब में समान राशि का वृद्धि है, 40 40 विद्यार्थी बढ़ाया जा रहा है तो यूनिट भी समान परिवर्तन, देखिए 2 यूनिट बढ़ता हुआ दिख रहा है, यहां भी देखिए 2 यूनिट बढ़ता हुआ दिख रहा है, यहां भी 2 यूनिट बढ़ता हुआ दिख रहा है, बढ़ता 40 विद्यार्थी सब में, जो 2 यूनिट का मान है 1 यूनिट का निकाल लीजिए। कहता प्रारंभ में कुल विद्यार्थी कितना था, जोड़िए 5 × 3 = 8 कितना मेरे भाई 10, है ना, इसको उड़ा दीजिए 2 से 5 बार में 40 × 5 यानी प्रारंभ में विद्यार्थियों का संख्या कितना था मेरे भाई, यह था आपका 200, है ना, प्रारंभ में विद्यार्थियों का जो संख्या था वह संख्या कितना था आपका 200। चलिए ऑप्शन नंबर सी को टेक कर लीजिए, है ना, 200 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 19 की ओर आ जाइए, देखिए 19 क्या कहता है, कहता cot थीटा बराबर √6, तो इस व्यंजक का मान हमको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं भैया, अच्छा इस व्यंजक का मान निकालना है तो इसको cot में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे ताकि cot का हम मान का प्रयोग कर सके, कैसे लाएंगे cot में, तो इसमें क्या कीजिए ना sec स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लीजिए। अब पूछो क्यों डिवाइड कर रहे हैं, sec स्क्वायर थीटा से मेरे भाई भाग दे देते हैं, भाग देने पर
अच्छा मेरे भाई मेरे, भाग लगा के देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा से, अच्छा कॉसेक में सेक से लगाओगे, कॉसेक का मतलब वन बटा साइन, सेक का मतलब वन बटा कॉस, यानी कॉस बटा साइन, यानी यह बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, जबकि सेक को सेक से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा वन, नीचे कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस में वन। चलिए मान रख दीजिए कॉट थीटा का मान रूट सिक्स, रूट सिक्स का स्क्वायर छ, प्लस में एक, नीचे छ माइनस में एक, यानी सात बटा पांच मेरे भाई, कितना सात बटा पांच। देखिए आराम से चुटकी में सोल्व कर लिए प्रश्न को, ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई सात बटा पांच। चलिए आ जाइए और यह आज के मॉक टेस्ट का यह आखिरी प्रश्न है और लाजवाब प्रश्न भी है, हर एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। देखिए आप यहां देख रहे हैं कि हर बार पहला का सेकंड जो उसके अगला का फर्स्ट है, कंटिन्यूटी ऐसा ही होते गया है। क्या करते हैं अंतर को देखते हैं, तीन का ऊपर तीन नहीं है तो बस एक बटा तीन से बाहर में गुना कीजिए, एक बटा पहला टर्म और माइनस में एक बटा लास्ट वाला टर्म, सोल्व कर लीजिए मेरे भाई तो हो जाएगा एक बटा तीन, सोलह में से एक गया पंद्रह बटा सोलह, तीन से पांच बार में मेरे भाई पांच बटा सोलह, क्या पांच बटा सोलह, ऑप्शन नंबर बी। क्या किए अंतर तीन का था, एक बटा तीन से हमने बाहर गुना किया, एक बटा पहला टर्म माइनस में एक बटा लास्ट वाला टर्म, है ना। यही था आज का यह मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट नंबर सिक्स, जिसको हमने पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया, है ना। जो भी आप लोग से बार बार विनम्र निवेदन किया जा रहा है, है ना, जो भी मेरे प्यारे भाई भाई बंधु अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो बढ़िया लगता हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा और आपको क्या क्या चीज चाहिए, किस किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, यह सब कमेंट के माध्यम से हम लोग को शेयर कीजिए ताकि हम लोग उस चीज पर वीडियो बना सकें और आपको बढ़िया से बढ़िया कॉन्टेंट्स दे सकें। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं विदा, है ना। जय हिंद जय भारत।